हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। करनाल में पंचायत भवन परिसर में आयोजित मन की बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करनाल को विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने 95 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। वहीं मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में देश भर के गांव के सरपंच और किसानों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया। इसी तर्ज पर सीएम ने कहा कि हमने भी हरियाणा में जल बचाओ अभियान शुरू किया हुआ है। इस अभियान के तहत हमने गांव में तालाबों, नहरों, नालों और वाटर रिचार्ज करने के सिस्टम बनाए हुए हैं। साथ ही किसानों को भी जल बचाने की हिदायत दी गई। प्रधानमंत्री जी ने अपने इस दूसरे सत्र की पहली प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम सामूहिक रूप से सब लोगों ने सुना है और बहुत अच्छा लगा कि समाज के अंदर बहुत ऐसे विषय जिनकी चिंता प्रधानमंत्री को है वो ऐसे विषय हैं जो भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। खास तौर पर जैसे जल संचय की बात उन्होंने कही, सारे देश भर में जल संचय का आह्वान किया गया है। मुख्यमंत्री अपने सरपंचों को उन्होंने स्वयं पत्र भी लिखा है, गांव-गांव में इन विषयों के ऊपर लोग काम करने लगे हैं। हमने भी हरियाणा में कई स्टेप्स उठाए हैं, जैसे तालाब अथॉरिटी बना करके 14,000 तालाबों को ठीक किया जाए ताकि पानी बरसात का वहाँ इकट्ठा हो और जल संरक्षण के नाते उसका उपयोग किया जा सके। इसी प्रकार जल ही जीवन है योजना चलाई है, जिसके अंदर जो धान की बिजाई करने वाले किसान हैं उनको अपील की गई है कि धान की खेती का एरिया थोड़ा कम करके अन्य फसलों पर आएँ, खास करके मक्का पर। इसमें हमने उनको कुछ सुविधाएं देने का भी डिक्लेयर किया है कि जो भी नई फसल बोएंगे उसका बीज सरकार मुफ्त देगी, 2000 रुपया एकड़ उनको सब्सिडी मिलेगी और प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसका प्रीमियम किसान को जो देना पड़ता है वो सरकार देगी और उनकी जो फसल है उसकी मार्केटिंग, उसकी परचेज ये सरकार खरीदेगी ताकि किसी प्रकार की नई फसल पर डाइवर्ट करने के लिए किसानों को आने वाली कठिनाइयां हैं उनको पहले से ध्यान करके उसको दूर किया है। एक जल ही जीवन यानी जल संरक्षण के नाते से ज़मीन के जल को कम से कम लोग निकालें ताकि हमारा जो लेवल है पानी का ज़मीन का वो सुधर सके। बड़ी विडंबना की बात है कि जो देश भर में 200 जिले, लगभग 200 जिले जिनका आंकलन किया गया है कि वहाँ जल स्तर बहुत कम हो गया है, बहुत विडंबना है कि उसमें से 18 जिले हरियाणा के आ गए हैं। तो हरियाणा में हमने अपील की है कि कम से कम जल जमीन से निकालें, ज़्यादा ज़्यादा जल संरक्षण से वर्षा का पानी वो जमीन के अंदर डालें।